10 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रेक्षागृह का कार्य 15 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए तथा शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए योजना बनाकर तत्काल प्रेषित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ते हुए उनका पुनर्वास किया जाए और सड़क से अतिक्रमण भी हटाया जाए। उन्होंने चिल्वा ताल में शुद्ध पेयजल की सप्लाई के लिए योजना बनाने तथा आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर वाराणसी तथा जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर फोरलेन तथा गोरखपुर देवरिया फोरलेन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गति लाते हुए तेजी से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में विद्युत विभाग भी अपने कार्य करे तथा सड़कों के किनारे तार ना छोड़े। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग तरकुलानी रेगुलेटर का कार्य 15 जून तक पूर्ण करे तथा गाड़ासाड़ के पास नदी के डेजिंग कार्य के लिए भी योजना बनाकर प्रस्तुत करे तथा सिंचाई विभाग सभी कार्य 15 मई तक पूर्ण करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुक्त एवं जिलाधिकारी नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोल्ड चेन को अच्छी प्रकार से मेंटेन किया जाए तथा प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण के मूल्य पर कड़ी निगरानी रखी जाए। आरोग्य मेला का आयोजन नियमित रूप से किया जाए। उन्होंने नगर निगम के कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ITMS की कार्य योजना तेजी से पूर्ण की जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीनों का अधिग्रहण शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण, मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना, मल्टी लेवल पार्किंग आदि निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था गुणवत्ता एवं समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्यों को पूर्ण करे तथा संबंधित विभाग भी निर्माण कार्यों की निगरानी रखे तथा शासन के निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े। अच्छे विभागीय कार्यों से लोगों की अवधारणा को बदला जा सकता है। इस अवसर पर ADG अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, IG राजेश जी मोदक, जिलाधिकारी के विजेन पांडियन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 करोड़ से अधिक रुपए की गोरखपुर जनपद की योजनाएं हैं उनका सभी का आज समीक्षा की है। उसके साथ साथ शासन की मुख्य योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कोविड वैक्सीनेशन, आरोग्य जो आयुष्मान कार्ड है, आरोग्य मेला जो है उसका, इन सारों की समीक्षा की गई है और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ साथ हमें विद इन जो फिक्स टाइमलाइन है उसमें कार्य संपूर्ण करना है और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।